खबर रायगढ़ से है, जहां तमनार ब्लॉक में कोडमवाना गणतंत्र पार्टी ने शहीद वीर नारायण का शहादत दिवस और वन अधिकार मान्यता कानूनी स्थापना दिवस मनाया, जहां कुदरीपारा में बूढ़ा देव की पूजा अर्चना कर भव्य रैली निकालकर सभा रखी गई। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गोडमवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश सिंह मरकाम सहित कई गणमान्य जन मौजूद रहे। अमर शहीद वीरनारायण जी का 164वीं बलिदान दिवस करमगोढ़ी में मनाया गया। इस अवसर पर यहाँ की जनता जो काले हीरे की धरती पर गरीब यहाँ के मूल निवासी बनते जा रहे हैं और उनकी जमीन कंपनियों के हाथ में चली गई, पूरे के पूरे रायगढ़ जिला आज कंपनियों के हाथ बिक चुकी है। यहाँ की मूल निवासी गरीब होते जा रहे हैं। आज़ादी के 70 साल भी इनकी हालत नहीं बदली, सुधरी नहीं। आज तमनार में हम लोग अमर शहीद वीर नारायण सिंह जी के 164 बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में गोडमवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से वनाधिकार स्थापना दिवस मनाने आए थे, लेकिन लोगों का जो जन समस्या है, पूरा रायगढ़ जिला में कंपनी वाद चल रहा है और यहाँ के जो सरकार है वो सरकार कंपनी के साथ मिल करके आज आदिवासियों को लूटने का काम कर रहा है। यहाँ मिलूपारा हो, बजरमुड़ा हो, चाहे तमनार के आसपास तमाम जो गांवें हैं, आज तमनार में अमर शहीद वीर नारायण शहादत दिवस एवं वन अधिकार मान्यता कानून स्थापना दिवस मनाने के लिए पूरे रायगढ़ जिला के निवासी यहाँ पर उपस्थित रहे। आज जो वन अधिकार मान्यता कानून है वो 14 साल बन जाने के बाद भी वन भूमि पर काबिज लोगों को अभी तक अपना वन अधिकार पत्रक नहीं मिल पाया है। ये छत्तीसगढ़ बनने के बाद से आज तक जो भी शासन सत्ता में रहे हैं वो सरकार की नाकामी और साथ ही कहे कि उनकी नीयत काबिज लोगों के ऊपर सही नहीं था, इसलिए उनको उनका अधिकार अभी तक नहीं मिल पाया है।